शेर का नवजात बच्चा अपने जन्म के 2 हफ्तों तक अपनी आंखें भी खोलना नहीं जानता। जब तक 4 हफ्तों का नहीं हो जाता तब तक ये भाग भी नहीं सकता और 3 महीनों से पहले ये शिकार करना भी नहीं जानता। ये अपनी माँ से उस छोटी सी उम्र में शिकार करना सीखता है, अपने भाइयों और बहनों से खेलता कूदता है और अपने झुंड में सामान्य और सुखी जीवन व्यतीत करता है। पर जैसा कि दिन के बाद रात आता है, उसी तरह शेर के बड़े होते ही उसे इस झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है। अभी इस वीडियो में दिख रहा ये शेर अपने झुंड से बाहर निकाला जा चुका है और ऐसा लग रहा है कि ये कोई बड़े संकट में है। और वीडियो देखने से ये प्रतीत होता है जैसे कि इन्होंने अपने खुद के लिए कब्र खोद लिया हो। पर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। शेर अक्सर अपने झुंड में रहा करते हैं, जिसे प्राइड कहा जाता है, और इसका झुंड में रहना इसलिए भी आवश्यक होता है ताकि ये बाहरी खतरों से बच सके। पर इसके बजाय ये समय समय पर अपने झुंड से कुछ कुछ सदस्य को निकालता रहता है। उसमें से ज्यादातर मेल लायन ही होते हैं, चाहे वो यंग हो या एडल्ट। पर ऐसी बेवकूफी ये झुंड क्यों करते हैं, जबकि झुंड से निकाले गए ये शेर उपयोगी हो सकते हैं और इसके अकेले होने पर इसका शिकार भी हो सकता है। और सबसे बुरी बात तब होती है जब झुंड में से बूढ़े शेर को निकाल दिया जाए, जबकि इस उम्र में इन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, पर उम्र ही सबसे बड़ी समस्या होती है। जब नवजात शेर के बच्चे अपने प्यूबर्टी के स्टेज में आते हैं तब बड़े उम्र वाले शेर के सदस्य इसे झुंड से निकाल देते हैं, जो हम मनुष्यों को सुनने में काफी बुरा लगता है, पर एनिमल किंगडम में यह नियम होता है। और झुंड से बाहर निकालने का काम सिर्फ एडल्ट लायन ही नहीं करते, बल्कि झुंड में अगर यंग लायन ज्यादा हो तो बड़े उम्र वाले लायन को भी निकाल दिया जाता है। और ये प्रथा सदियों से चलती आ रही है। पर जरा सोचिए, ऐसा अगर आपके साथ होता, जब आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो और अचानक आपके परिवार वाले आपको धक्के देकर घर से निकाल दें, वो भी बिना वार्निंग दिए, ना तो आपके पास कोई घर होगा, ना ही कोई जॉब, और ना वापस कभी घर आने दिया जाएगा। खैर, शेर के लिए ना घर की चिंता होती है और ना ही जॉब की। शुरुआत में जब टीनेजर शेर को झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है तब ये टीनेजर शेर जल्दी से निकलना नहीं चाहते और इस प्रतीक्षा में होते हैं कि कहीं बड़े शेर अपनी माइंड को चेंज कर ले, पर अंततः उसे झुंड छोड़नी पड़ती है। यहाँ तक कि उस टीनेजर शेर की माँ भी उसे नहीं रोकती और कुछ केस में कुछ दयालु माँ अपने बच्चों के लिए ग्रुप छोड़ देती है, जिसके कारण शेरनी को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो शिकार करना हो या अपने बच्चों का ध्यान रखना, इसे अकेले ये कष्ट करनी पड़ती है। लेकिन किसी भी झुंड में शेरनी को आसानी से एक्सेप्ट किया जा सकता है, पर मेल इस मामले में दुर्भाग्य होते हैं, क्योंकि मेल लायन को अपने झुंड में आने की अनुमति नहीं होती और इसे संघर्ष करना पड़ता है और हर वक्त इनके जान पर खतरा बना रहता है, चाहे इसकी जान भूख से जाए या किसी दूसरे ग्रुप के लायन इसका शिकार कर ले, क्योंकि शेर का अकेले शिकार कर पाना काफी मुश्किल होता है। जरा आप ही सोचिए, आखिर ये किस क्षेत्र में शिकार करेंगे? हर क्षेत्र अलग अलग शेर के झुंडों में बटा होता है और कोई दूसरा झुंड दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं देते, इसलिए झुंड से निकाले जाने पर शेर के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। पहला तो ये काफी दूर किसी एकांत स्थान को ढूंढे, या दूसरा कि दूसरे के जूठन को खाए। पर जंगल में जूठन भी नहीं बच पाता, क्योंकि लकड़बग्घे की नजर जूठन पर हमेशा रहती है और लकड़बग्घे के झुंड अकेले शेर को कोई सम्मान नहीं देते। और दूर एकांत स्थान में जाने पर भी इसकी जीवन सरल नहीं हो जाती, क्योंकि इसे शिकार करने में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यंग लायन के लिए ये तो काफी चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि ये ना तो शिकार करने में माहिर होते हैं और ना ही ये ज्यादा भाग सकते हैं, इसलिए ये बड़े और फुर्तीले जीवों को शिकार नहीं कर पाते। ऐसे कंडीशन में ये छोटे जीवों को पहले चुनते हैं या एक आसान सा शिकार की तलाश करते रहते हैं। ऐसे में जंगली सुअर का शिकार करना ये उचित समझते हैं। पर ये बात ध्यान रखें, एक भागते जंगली सुअर का शिकार शेर के झुंड आसानी से कर लेते हैं, पर एक शेर के लिए ये नामुमकिन होता है। इसलिए अकेला शेर जंगली सुअर के बिल को 7 घंटों की कड़ी मेहनत से खोदकर जंगली सुअर का शिकार करते हैं, लेकिन झुंड वाले शेर के लिए ये काफी शर्मनाक बात होती है। पर अकेले भूखा शेर को अपनी भूख मिटाने के लिए अपने पांव गंदे करने पड़ते हैं, और वो भी बरसात में ये काम काफी आसान हो जाता है,
क्योंकि बारिश के कारण मिट्टी गीली हो जाती है और इसे खोद पाना आसान हो जाता है और इस तरह एक शेर धीरे धीरे शिकार करने में माहिर हो जाता है। और जब इसे किसी झुंड का सदस्य बनना पड़ता है तब एक मेल लायन को झुंड के मुखिया को लड़ने के लिए चुनौती देनी पड़ती है और अगर ये लड़ाई जीतते हैं तो ही ये झुंड में शामिल हो पाते हैं, पर कमजोर शेर के लिए ये नामुमकिन हो जाता है और हारने वाले अल्फा मेल लायन को ग्रुप हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है और जीवन ऐसे ही चक्रों में फंसा रहता है। पहले बचपन में निकाले जाना, फिर शिकार सीखने के बाद ग्रुप में शामिल होने के लिए लड़ाई करना और बुढ़ापे में फिर से ग्रुप द्वारा निकाले जाना। इसलिए कहते हैं एक शेर का जीवन जीना आसान नहीं होता। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।